बता रहे कि बल्लभगढ़ अनाज मंडी में गेहूं की खरीद शुरू होने के बाद अब गेहूं की लिफ्टिंग यानी कि उठान ना होने की समस्या लोगों के सामने आने लगी है। जगह जगह मंडी में गेहूं की बोरियों के ढेर लगे हुए हैं। तो आपको ये भी बता दें कि स्थिति लगातार खराब हो रही है, अनाज रखने की जगह की किल्लत देखने को मिल रही है, जिसको लेकर जब अनाज मंडी के डिप्टी सेफ्ट्री इंद्रपाल से बात की गई तो उन्होंने बताया है कि इस समस्या को लेकर फरीदाबाद जिला उपायुक्त ने संबंधित विभाग के तमाम अधिकारियों की बैठक की है, जिसमें लिफ्टिंग को लेकर उन्होंने विशेष तौर पर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दे दिए हैं और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही मंडी में समस्या का समाधान भी हो जाएगा। इसके विषय में कल उपायुक्त महोदय ने एक मीटिंग ली थी, जिसमें सभी संबंधित एजेंसियों को, DFSC को, तीनों SDM के और तीन जितने भी मार्केट कमेटियां हैं फरीदाबाद जिले की, सभी उसमें उपस्थित थे। तो उसमें ट्रांसपोर्टों के दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो जल्द से जल्द जितने भी हो सभी मंडियों में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रक प्रोवाइड करवाएं और FCI के जो वहाँ पे DM थे उनको भी दिशा निर्देश कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट बनाएं, जिससे कि लिफ्ट हुए ट्रकों को आराम से वहाँ खाली करें। इसमें तो बस यही कहा जा सकता है कि जितनी जल्दी ट्रक मिलेंगे उतनी जल्दी वहाँ पे ट्रक पहुँचेंगे और वहाँ पे लेबर की कोई भी समस्या है तो उसको FCI वगैरह वाले खुद देख रहे हैं और जल्द से जल्द उतरवाएंगे।